शुक्रिया एफएम 90 से। मैं हूँ आरजे सुजाता और आज हम आए हैं गुजैनी के एफ ब्लॉक में और हमारे साथ हैं फाइलेरिया की पेशेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्हें इनका पैर कैसे सूजा हुआ है, इनके पैर में फाइलेरिया है और इनसे हम जानेंगे इनकी पूरी कहानी। सबसे पहले तो अम्मा आप अपना नाम बताइए। नाम है कमला देवी। अच्छा ये बताइए कि आपको फाइलेरिया कब हुआ? जन्म से है। अच्छा आपको पता कब चला? अभी बहुत ज़्यादा है, चल नहीं पा रहे हैं, देख ही रहे हैं। कब हुआ, शुरू में कैसे आपको पता चला कि फाइलेरिया हो गया है? शुरू में थोड़ा बहुत चलते थे ना, तो किए कैसे काम। जैसे कि जन्म से है तो बचपन में कैसे घर वालों ने किस तरह से संभाला? और बचपन में था थोड़ा बहुत करते थे, जैसे जैसे शरीर बढ़ा वैसे वैसे बीमारी फैलने लगा। इसका इलाज बचपन में हुआ? इसका इलाज अभी नहीं किया। नहीं, बचपन में जब आपको पता चला होगा कि फाइलेरिया हो गया, परिवार वालों को कैसे पता चला कि ये फाइलेरिया ही है? हाँ बता रही थी कि किसी का मतलब कि मोहल्ले में था, हाथ सटा हुआ था, वो ले गया डॉक्टर के यहाँ, हाथ अलग अलग करवाया, उसका हाथ और बेकार, सदर से फिर माँ हमारी नहीं गई डॉक्टर के यहाँ, माँ बता रही थी, हमें नहीं कुछ मालूम। अच्छा तो फिर जब आप धीरे धीरे बड़ी हुई, आप जब लोगों के बीच बैठना शुरू किया तो ये पैर धीरे धीरे सूजने लगा होगा, फूलने लगा होगा? हाँ जैसे तैसे कट रहा है, दिन कटा है, हमारा पति है। अच्छा तो मैं अब कमला जी के हस्बैंड से जानना चाहती हूँ कि कैसे क्या हुआ शुरुआती दौर में, इन्हें सब पता होगा। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। दशरथ प्रसाद। तो दशरथ जी बताइए इनके बारे में पूरी कहानी, इनकी फाइलेरिया से रिलेटेड पूरी, शुरू से लेके अब तक की। भाई जब से शादी हुआ है उसके बाद के ही हम बात बता पाएंगे, बाकी तो उसके पहले क्या था नहीं था हम बता नहीं पाएंगे। शादी जिस समय हुआ था उस समय पैर जो है वही से था ऐसा। हाँ लेकिन सूजन जो है अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, उस समय सूजन कम था और अभी जो है इसमें दर्द वगैरह भी हो गया है, चल नहीं पा रही है। अच्छा तो आपने डॉक्टर से दिखाया शादी के बाद? नहीं, कोई डॉक्टर से नहीं दिखाया, हम बहुत कोशिश किए लेकिन बोले कि नहीं, हाँ तो नहीं दिखाना है, ये बचपन से ही है, इसलिए फिर हम ध्यान दिए नहीं और चल फिर कर लेती थी ढंग से। इस अब जो है इस समय चल नहीं पाती है और बताती है कि दर्द बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो कब से सूजन इनका, इनके पैर में कब से सूजन बढ़ा? सूजन तो था पहले भी लेकिन अभी जो है ना ज़्यादा हो गया है, लगभग हम समझते हैं कि 2-3 महीना 4 महीना लमसम यही हो रहा है, सूजन बढ़ गया है और दर्द बढ़ गया है पूरा, ये बताती है पूरा, ये सब जो है दर्द होता है, चला नहीं जाता है। अच्छा तो शुरुआत में भी दर्द हुआ होगा जब सूजन हुआ होगा आपका? कभी नहीं, बचपन में कभी नहीं दर्द हुआ। हाँ अच्छा। हाँ ये आप जैसे शरीर ये रहा वैसे वैसे बचपन में सूजन था लेकिन दर्द नहीं था। हाँ चलते थे। हाँ सही चलते थे फिरते रहते थे भाई, पढ़ी भी है, हाई स्कूल तक पढ़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं था, अब जो है इस उम्र में दिक्कत आ गई। अच्छा आप हाई स्कूल तक पढ़ी हैं, तो जब स्कूल में जाती थी तो बच्चे देखते होंगे, आपके सहेलियां वगैरह देखती होंगी कि आपका पैर सूजा हुआ है, तो वो कैसा आपके साथ बातचीत कैसे रहता था, कैसा ये नहीं बताएंगी आप? मतलब लोग देख के क्या कहते थे कि लड़की जात पैर सूज गया है, तो लोगों का क्या कहना था? कुछ नहीं, तो सब कोई है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक लड़का भी है। अच्छा हम अपने खाना। आपने जाना कमला जी की कहानी को, कमला जी को जन्म से है और इनकी माँ ने इनका इलाज इसलिए नहीं करवाया कि बगल में कोई बच्चा था जिसका हाथ चिपका हुआ था आपस में, तो डॉक्टर के पास गए, उनका हाथ अलग किया गया तो उसका हाथ और ख़राब हो गया, इसको देखकर इनकी माँ डर गई और इसकी वजह से कमला जी का फिर बचपन में इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हालात ये हैं जैसा कि आप देख रहे हैं।
101.3 FM रेडियो कनपुरिया।